अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आज मैं आपके साथ टमाटर गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। तो ये मेरे पास एक अनियन है, वन लार्ज अनियन स्लाइस्ड। हम इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। आप चाहें तो उसको नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में। ये मेरा ऑयल मैंने हीट करके रखा है ऑलरेडी, ये स्मोकिंग पॉइंट पे हीट करके इसका फ्लेम स्लो कर दिया हमने। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, जिसमें दो तेज़पत्ते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, दो बड़ी इलायची, ये तीन से चार छोटी इलायची हैं, चार पाँच लौंग है और पाँच छः काली मिर्च है। अब जब ये स्प्लटर करने लगें तो हम इसमें ये अनियंस डाल देंगे। अभी अनियन को हम फ्राई करेंगे थोड़ा गोल्डन पिंक होने तक। अगर आप थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो थोड़ा सॉल्ट ऐड करके हम इसको कुक करने रखेंगे। देखिए, अब हमारी अनियन सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये जो हमारे पास आधा किलो मटन है, हम इसमें हाफ के जी मटन ऐड करेंगे और इसको जल्दी से मिक्स कर दीजिए और इसका कलर चेंज होने तक हम मटन को कुक करेंगे। देखिए, अभी हमारे मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तो 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसको 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे, ताकि ये जिंजर गार्लिक का रॉस्ट मैन चला जाए। अब ये जिंजर गार्लिक के साथ हमने 2 मिनट्स इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद हम थोड़ा सा वाटर इसमें डाल के ये मसाले भून लेंगे। आपको ज़्यादा देर नहीं भूनना है। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। आप सॉल्ट जो है थोड़ा सा देखकर डालिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अनियंस के साथ भी सॉल्ट डाला था। अब ये मसाले के साथ हमारा मटन भुन चुका है। अब हम इसमें 5 टमेटोज़ डालेंगे स्लाइस्ड। आप चाहें तो चॉप्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सारे टमेटोज़ जो उसमें गल ही जाएंगे, तो मैंने 5 टमेटोज़ स्लाइस करके लिए हैं और ख़ूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। देखिए, अब ये पूरे मिक्स हो चुके हैं टमेटोज। अब ये टमेटोज हमने इसमें मिक्स कर दिए। अब हम कुकर का लिड बंद कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये टमेटोज का ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा छूटता है। तो हम इसको 1 विसल आने तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर 10 मिनट्स तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। 1 विसल आ चुकी है, अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और फिर 10 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर हम अपना कुकर खोल कर देखेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं हमारे मटन को कुक होते हुए लो फ्लेम पर। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हम कुकर ओपन करेंगे। तो अब ये कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, हम इसका लिड ओपन करके देखते हैं कि मटन का क्या स्टेटस है। अब हमें चेक करना है सबसे पहले कि हमारा मटन गला है या नहीं। चेक करते हैं। देखिए, हमारा मटन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो देखिए, अब ये जो मटन तो अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन इसमें टमेटोज का काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाकर इसका पानी इवेपोरेट होने देंगे। अब इस प्रोसीजर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये इवेपोरेट होने तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में हमें चेक कर लेना है, ताकि हमारे मसाले नीचे लग ना जाए। अच्छा, कुकिंग टाइम डिपेंड करता है मटन की क्वालिटी के ऊपर। तो आप जब तक उसको पकाएं, जब तक आपका मटन टेंडर नहीं हो जाता है, फिर इस तरह से इसका पानी इवेपोरेट करने लग दें। अब इसका वाटर ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का और गर्म मसाले का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें इसकी आती है। अब इसमें
हम ये जिंजर जूलियंस डालेंगे और ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ है, हम थोड़ा बचा कर रखेंगे लास्ट में डिश आउट करने के लिए। और ये जो है तो कोरिएंडर लीव्स, इसमें हम डालकर अब हम इसको ढककर रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। इसको ढक के रखने से इसका ऑयल रिलीज़ होगा ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएं। अब हम इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीफ से, जिंजर जूलियन से और कुछ ग्रीन चिलीज से। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, खबूस के साथ, आपको जिसके साथ पसंद है उसके साथ खा सकते हैं। अब हम आपको एक पीस निकाल के ट्राई करके दिखाते हैं। देखिए मटन कितना सॉफ्ट और कितने अच्छे से कुक हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है टमाटर गोश्त फॉर माय वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।